और मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने आ गया। आज का दिन बड़ा ही बेकार है, मनोज है, मैं आज तपस्या नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा। घर वापस लौट करके आए, कयाधु ने देखा मेरे पति जल्दी लौट कर आए, लेकिन पूछूं तो पूछूं कैसे, क्योंकि राक्षस है, दाना है, एक फड़ा का मार दे खींच के तो कहां जाऊंगा, गरम स्वभाव वाला है। तो अब राक्षस को प्रसन्न करने के लिए कयाधु ने बहुत सारे व्यंजन अपने घर में बनाए, जो जो उनको पसंद है वो सब बनाए। भोजन प्रसादी के लिए बैठे, पंखा हाथ में ले लिया, धीरे से बोली, स्वामी आज आप इतनी जल्दी लौट कर कैसे आ गए और हवा दे रही है। तो धीरे ऐसे हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या बताऊं कयाधु, वहां पर एक तोता नारायण 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 ऐसे बोल रहा था, इसलिए मैं घर लौट आया। जैसे ही नारायण नाम सुना कयाधु ने, तो कयाधु की तो चांदी चांदी हो गई, सोचने लगी चाहे जो हो, आज इस राक्षस के मुंह से मेरे नारायण का नाम तो निकला। अरे नाथ, रसगुल्ला लीजिए ना, मैंने आपके लिए बनाया ताजा ताजा, थोड़ा ये समोसा कचौड़ी लीजिए ना, इमली की चटनी डाली है, दही डाली, मैंने आपके लिए बनाया। स्वामी वो तोता क्या कह रहा था मैं भूल गई। अरे क्या बताऊं कयाधु, वो तोता नारायण 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 ऐसे बोल रहा था। अब भोजन समाप्त हो गया नारायण नाम में, आगे बढ़े थोड़ा टहलने के लिए। कयाधु ने फिर पूछा, स्वामी मैं भूल गई वो तोता क्या कह रहा था। अरे कितनी बार पूछेगी, बावरी हो गई है, वो नारायण 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 बोल रहा था। विश्राम का समय हुआ, विश्राम कर रहे, फिर पूछा, स्वामी मैं फिर से भूल गई, आखिरी बार बताइए ना वो तोता क्या कह रहा था। अरे अब तो मुझे लगता है तू तो पूरी दीवानी हो गई है उस नारायण की, वो नारायण नारायण बोल रहा था, अब मत पूछना, अब नहीं बताऊंगा। शाम हुई, दिया बत्ती का समय हुआ, उस समय फिर कयाधु ने हाथ जोड़कर पूछ लिया। रात हुई, तब अपने शयन कक्ष में सोने के लिए गए, तो वहां पर भी कयाधु ने आखिरी बार चरण स्पर्श करते हुए, पति को प्रणाम करते हुए पूछ लिया कि हे नाथ, वो तोता क्या कह रहा था। बस अब आखिरी बार बोल दूंगा, इसके बाद नहीं बोलूंगा, वो नारायण 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 ऐसे बोल रहा था। सुन लिया ध्यान से, अब नहीं बोलूंगा, अब मैं सो रहा हूं। बस उसी नारायण के नाम के संकीर्तन में कयाधु के गर्भ में भक्त प्रह्लाद जी का प्रवेश हुआ और सूर्योदय हुआ। तब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए निकल पड़े। इधर 9 मास परिपूर्ण हुए, तपस्या करके लौट करके आए तो देखा कि एक सुंदर सा बालक जो भोर में आह्लाद करते हुए प्रकट हो रहा है, जिसका नामकरण किया गया और नाम रखा गया भक्त प्रह्लाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्त प्रह्लाद भगवान नारायण के नाम में रंगे हुए हैं। 5 बरस के हुए तो दिन रात नारायण 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 करते हैं। षडामर्क के आश्रम में इनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है और वहां पर भी जाकर के नारायण 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 के नाम का संकीर्तन करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप नारायण नाम लेते हुए देख लेते हैं और षडामर्क को बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं, कहते हैं तुम्हें मैंने मेरे पुत्र को राजनीति की दीक्षा देने के लिए कहा था, युद्ध की दीक्षा देने के लिए कहा था, अरे दुष्टों तुमने मेरे पुत्र को ये क्या नारायण का पाठ पढ़ा दिया है, क्या तुम नहीं जानते कि नारायण मेरा शत्रु है। षडामर्क ने कहा, महाराज हमने तो बहुत मना किया आपके बच्चे को, लेकिन ये मानता ही नहीं, ये 24 घंटे नारायण 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 करता। बालक से कहा, नारायण का नाम लेना बंद कर दे, मेरा नाम लेना शुरू कर दे। बालक ने कहा, नहीं पिताश्री, नारायण पूरे विश्व को बनाने वाले भगवान हैं, मैं उनका नाम लेना बंद नहीं कर सकता। बहुत दंड दिया, कई दिनों तक भूखा प्यासा रहा, मार खा खा करके भी भक्त प्रह्लाद ने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया और हम लोग सुबह से शाम तक माल खा रहे हैं, हलवा पूरी मालपुआ खा रहे हैं, फिर भी भगवान का नाम भूल रहे हैं, बताइए। मार खा खा करके भक्त प्रह्लाद ने भगवान का नाम नहीं भूले और हम दिन रात माल खा रहे हैं, फिर भी भगवान को भूल रहे हैं। अग्नि कवच जिस बहन को प्राप्त है वो होली का, उसने अपनी गोद में बिठा लिया भक्त प्रह्लाद को।
परमात्मा ने उस होलिका को जला करके राख कर दिया, लेकिन भक्त प्रह्लाद को मरने नहीं दिया, क्योंकि भगवान भक्ति के पुजारी हैं, भक्ति के उपासक हैं। और आज भक्त प्रह्लाद परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं और भक्त वत्सल कह रहे हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और फिर उसके बाद तुझे नष्ट करूंगा। जैसे ही खंभे पर प्रहार किया, खंभे के दो टुकड़े हो गए और खंभों में से भगवान नारायण नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो रहे। गुरु गुरु की वाणी बोलते हुए भगवान नरसिंह नारायण प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को गोद में उठा लिया, सीधे लेकर के गए उम्रेट की ओर और उस उम्रेट पर बैठ करके, उस मुंडेर पर बैठ करके अपनी गोद में लिटा लिया, अपनी जांघों पर लिटा लिया और कहा, देख न दिन है न रात है, न अस्त्र है न शस्त्र है, न देव है न दानव है, तुझे मारने के लिए मैंने ये रूप बनाया। और हृदय को छलनी कर दिया, रक्त की नदी बहने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय हो।
भागवते सुनिए, कभी ये सुना है कि नरसिंह नारायण का अवतार प्रभु ने कहां लिया है? जानते हो भगवान नरसिंह इस भारत में किस राज्य में आए? कभी पूछा नहीं कथाकारों से जाकर के? कितनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हो, किस जगह क्या हुआ है जरा ये भी तो बताओ। भगवान नरसिंह नारायण का अवतार पंजाब में हुआ है। कहां हुआ है? पंजाब। जब भगवान नरसिंह रूप लेकर के खंभ से बाहर प्रकट हो रहे थे तो गुरु 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 बोलते हुए प्रकट हुए। इसीलिए आज भी पंजाब के लोग अपने नाम के साथ में सिंह लगाते हैं। क्यों सिंह लगाते हैं? क्योंकि वहां पर नरसिंह स्वामी का जन्म हुआ है, नरसिंह स्वामी प्रकट हुए हैं और वहां पर गुरु ग्रंथ पढ़ा जाता है, गुरु ग्रंथ को ही सब कुछ माना जाता है। क्योंकि नरसिंह भगवान जब प्रकट हो रहे थे तो गुरु 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 बोलते हुए प्रकट हुए थे, इसीलिए सिखों के 10 गुरु कहे गए हैं और नरसिंह स्वामी होंगे नानक देव जी कहे गए हैं। वाहे गुरु जुगाड़ सच है भी सच, नानक होते भी सच। सोचे सोच न होइ जे सोचे लखवान, चुपे चुप न होइ जे लाए रहा लखवान। मुखिया न उतरे जे गल्ला गुड़िया पान। गाने गुरु बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। उसके पश्चात भगवान परमात्मा ने गजेंद्र को मोक्ष दिया, फिर सागर मंथन की कथा हुई। सागर मंथन में सबसे पहले विष की प्राप्ति हुई, विष भगवान शिवजी ने प्राशन किया, 14 रत्न सागर से प्राप्त हुए, देव दानव दोनों ने आपस में बांट लिए। सागर के उदर से गौ माता का भी जन्म हुआ, कामधेनु का भी जन्म हुआ और आखिरी में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। अमृत के कलश की रक्षा के लिए, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान यहाँ पर मोहिनी नारायण का रूप लेते हैं और मोहिनी अवतार लेकर के सब देवताओं को अमृत पिलाते हैं। और मोहिनी रूप के पश्चात देवदानव युद्ध होता है। उस युद्ध में दानव हमेशा के लिए पराजित हो जाते हैं, देवताओं को विजय मिलती है और पूरी धरती पर देवताओं का राज्य हो जाता है। उसके पश्चात दानवों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो बलि राजा को तैयार करते हैं। फिर से दानवों की स्थापना करने के लिए बलि राजा को 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भुज में कच्छ में एक सुंदर यज्ञ मंडप बनाया जाता है। राजा बलि से उसका सब कुछ मांगने के लिए भगवान नारायण एक सुंदर रूप धारण करते हैं जिसका नाम है वामन स्वरूप। वामन रूप भगवान कब बनाए? जब अदिति और कश्यप जी का ग्रस्त आश्रम पवित्र बने। अदिति देवताओं की माँ है, अदिति और कश्यप महाराज ने पयोव्रत किया है। जो लोग ही संतान होते हैं उन लोगों ने पयोव्रत जरूर करना चाहिए। कल यहाँ पर राम जन्म है, कृष्ण जन्म है कथा में, और अभी जो मैं विस्तार से जो कथा नहीं बता पा रही हूँ वो आपको मैं कल के सत्र में जरूर सुनाऊंगा। मेरा स्वभाव है मैं कभी कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ती, बराबर बताती हूँ। भगवान वामन किसके यहाँ आए? जिसने
पयोव्रत किया, कई वर्षों तक पयोव्रत किया अदिति देवी ने और कश्यप महाराज। जो लोग नहीं संतान है उन्होंने इस व्रत को जरूर करना चाहिए। यहाँ का कृष्ण जन्म होगा और हमारा एक नियम है कथा का, जहाँ जहाँ भी कृष्ण जन्म हम लोग कराते हैं, राम जन्म कराते हैं रामचरितमानस, तो एक पालना रखते हैं और वो पालना जितने भी कथा सुनने आते हैं उनमें अगर कोई निसंतान दंपत्ति कथा सुनने आती है तो उस पालने की हम लोग बोली लगाते हैं। हमारे यहाँ माँ आशापुरी की कृपा से कई ऐसे निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है। बड़ी दूर दूर से हमारे महाराष्ट्र में हमारे यहाँ लोग आते हैं और माँ आशापुरी की कृपा से उन लोगों के यहाँ पालना झूठता है, हम उस पालने की बोली लगाते हैं जिनके मतलब होगी। क्योंकि ये ठाकुर जी का बनाया हुआ व्यासपीठ है, ये ठाकुर जी की बनाई हुई श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा है और इस ज्ञान गंगा में जो गोता लगाएगा, जो स्नान करेगा, जो सच्ची भक्ति को दर्शाएगा उसको ठाकुर जी के दर्शन अवश्य होंगे। भगवान वामन किसको मिले? जिसने पयोव्रत किया। अब आप कहोगे कि पयोव्रत क्या होता है? पयोव्रत जो है ये फाल्गुन महीने में किया जाता है, फाल्गुन महीने की पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक, पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक का ये व्रत होता है। केवल दूध पीकर के इस व्रत को किया जाता है। जो निसंतान लोग हैं अगर वो फाल्गुन महीने में पंचमी से पूर्णिमा तक इस व्रत को करते हैं तो उन्हें ठाकुर जी की कृपा से संतान की प्राप्ति जरूर होती है, ऐसा भागवत में लिखा है। ममता दीदी मन से नहीं बोल रही है। कश्यप महाराज ने और अदिति देवी ने पयोव्रत किया दोनों ने और उसके फलस्वरूप भगवान नारायण इनके यहाँ वामन रूप लेकर के प्रकट हुए। बोले वामन भगवान सात बरस में बटुक का रूप लेकर के परमात्मा आए और आते ही इनका जनेई संस्कार किया गया, मुंडन संस्कार किया गया और इनको भिक्षा लेने के लिए कैलाश पर भेजा गया। देवी पार्वती के यहाँ जाकर के भिक्षा मांगी, हे माँ पार्वती भिक्षां देही अलाप निरंजन। देवी पार्वती ने भगवान वामन की झोली में भिक्षा डाली है और भगवान वामन उस भिक्षा को लेकर के आए तो देव गुरु बृहस्पति ने कहा इस भिक्षा में ना तो तुम्हारा पेट भरेगा ना हमारा भरेगा। आप तो गुजरात की पवित्र भूमि कच्छ पे जाओ जहाँ पर दानव राज महाबली राजा बलि यज्ञ कर रहा है, उससे इतना दान मांग लाओ कि हम दोनों जीवन भर बैठ करके भोजन कर सके, बैठ करके हमारा जीवन आराम से सुखमय बीत सके। तो आज भगवान वामन राजा बलि की नगरी में जाने के लिए तैयार हुए। अब चाहे आप उसमें कुछ भी डालो, एक रुपया डालो, दस रुपया डालो, सौ रुपया डालो, पांच सौ रुपया डालो, लेकिन डालते समय ये बोलना कि हे वामन भगवान हम तेरी झोली में जो दक्षिणा डाल रहे हैं हम पर ऐसी कृपा करना कि हमें तो कभी भिखारी मत बनाना, हमारे परिवार को और हमें हमेशा संपन्न रखना। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते I'm not afraid.
चरित्र को हम यहीं पर विराम देंगे। कल के चरित्र में जो भी हमने आज जैसे गजेंद्र मोक्ष को थोड़ा से इसमें छोड़ दिया, छू करके छोड़ दिया, सागर मंथन को छू करके छोड़ दिया, कल की कथा में इस कथा को, वामन के चरित्र को और वामन चरित्र के पश्चात मत्स्य अवतार की कथा, अम्बरीश राजा की कथा, गंगा अवतरण की कथा और रामायण का संक्षिप्त आनंद कल की कथा में हम यहाँ पर लेंगे। कल भगवान राम और कृष्ण हमारे बीच आने वाले हैं, इसीलिए कल का दिन जो है बहुत ही महत्व का दिन है। कल आप और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, क्योंकि कल हमारे बीच राम और कृष्ण आने वाले हैं। कल कृष्ण जन्म उत्सव का यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा, राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा और आप सभी महिलाएं कल पीली साड़ी पहन करके आए, सब गोपी बन करके आए, क्योंकि गोपियों का जो रंग है वो पीला है, भक्ति का जो रंग है वो पीला है, इसलिए सब गोपी बन करके आएंगे और कल की कथा का अतिशय आनंद महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। कल माखन मिश्री लाना ना भूलें, सब अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा माखन मिश्री भी लेकर के आए, ताकि ठाकुर जी जब आए तो हम माखन मिश्री का भोग उन्हें लगाए। चॉकलेट, गोली, काजू, बादाम, पिस्ता जो भी ठाकुर जी के लिए ला सकते हो वो आप कल लेकर के आए, ताकि हम नंद महोत्सव का आनंद लेंगे और सभी को वो प्रसाद वितरण किया जाएगा। आइए अब हम सीधे आरती की ओर चलते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए खंडेलवाल परिवार के लिए, क्योंकि इस परिवार के कारण आप सभी को हर प्रकार से ज्ञान यज्ञ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Thank you.
नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वराज्यम् वैराज्यम् पारमेष्ठम् राज्यम् महाराज्यमाधिपत्यमयन्त समन्त पर्यन्ताय ईशात सार्वभौमस्य सर्वायुष आंतराधात अपराधात पृथिवी समुद्र पर्यन्ताय एकराणिते तदप्सश्लेखो विगितो मर्वेष्टारो मरितस्या वसंग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदैति ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नारायणो हनुमत् प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम कात्यायन्या च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देव्यै प्रचोदयात् ओम हंसो हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सर्वो प्रचोदयात् बोलिए भागवत भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधारानी सरकार की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव अब आप सभी अपने अपने हाथ ऊपर उठाएं